सांसद आरके सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने रविवार को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषित एवं नगर पालिका चित्रकूट द्वारा संचालित पावन कामदगिरी परिक्रमा मार्ग की स्वच्छता कार्य के लिए आधुनिक मशीनों का लोकार्पण हरी झंडी दिखाकर रामायण दर्शन परिक्रमा मार्ग खरौनी से किया। इस मौके पर राज्य मंत्री लोक निर्माण चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि भगवान श्री राम इसी कामदगिरी पर्वत पर वनवास काल का 11.5 वर्ष व्यतीत किया था। दूर दूर से आने वाले पर्यटक खड़े और लेट कर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर श्रद्धा का भंडार है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक लोग कामदगिरी की परिक्रमा करते रहे। आपने है, ये बड़ा हमारे लिए अच्छा क्षण है। कामदगिरी पर्वत के जो परिक्रमा है उसकी सफाई के लिए जहाँ हम पहले सफाई कर्मियों के द्वारा सफाई कराते थे, वो ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा सफाई हो, इसका आज शुभारम्भ किया गया है। और इन मशीनों में ये मशीनें कूड़े को खींचेंगी भी एयर प्रेशर से और पोंछा भी लगाएंगी। एक वन कामदगिरी परिक्रमा मार्ग की स्वच्छता कार्य को आधुनिक मशीनों से कराने का एक ये पर्यटन विभाग का और नगर पालिका परिषद चित्रकूट का एक ये सामूहिक प्रयास है। और स्वच्छता कार्य में जो आधुनिक जो मशीनें हैं, नवीन जो टेक्नोलॉजी है, इसका समावेश किया गया है। यहाँ पे ऐसा अनुभव किया गया कि जो दंडवती परिक्रमा करते हैं श्रद्धालुजन परिक्रमा मार्ग पे, तो काफ़ी इसमें गंदगी, कुछ ऐसे कंकड़ होते हैं जो उनके शरीर में गड़ते थे, और जो उनके कपड़े हैं उस पर भी जो है उसमें गंदगी लग जाती थी। तो इस क्योंकि बीच बीच में झाड़ू से सफाई होती थी तो बहुत अच्छी सफाई नहीं हो पाती थी। जो महीन कंकड़ हैं या जो यहाँ पे सेवा का कार्य करते हैं, अनाज वगैरह जो बिखरे रहते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। खबर श्रावस्ती से।